मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में अमित शाह जी और किशन रेड्डी जी और मेरे ऊपर और महादेवी लता जी के ऊपर FIR हुआ। कोई कांग्रेसी नेता है, उसने जाके चुनाव आयोग को कंप्लेंट दी है, तो उसके आधार पे हम सब पर केस बुक हुआ। उन्होंने ये लिखा है कि छोटे छोटे बालकों का उपयोग किया गया, ये सरासर गलत है। जब अमित शाह जी मंच पर थे, रैली समाप्त हुई, अमित शाह जी ऑलरेडी टाइम पूरा फॉलो करे, इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसको उन्होंने फॉलो किया है। वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे खड़े हुए थे, यानी अमित शाह जी की स्पीच होने के बाद में वो बच्चों को सिर्फ बुलाकर उनके साथ उन्होंने फ़ोटो उतरी है, ना कि वो बच्चों के हाथ में BJP का झंडा पकड़वाया है और ना ही BJP जिंदाबाद के ऐसे स्लोगन लगवाए हैं। तो FIR किस बेस पे मुगलपुरा पुलिस ने किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूँ तेलंगाना पुलिस से कि यही कांग्रेस वाले गली गली में शराब बांट रहे, कितने लोगों पर FIR की गई है, आज गली गली घूमकर कांग्रेस को वोट डालो बोलकर पैसे बांट रहे, कितने लोगों पर FIR की गई है आज मैं पूछना चाहता हूँ। लेकिन एक फेक कंप्लेंट पर FIR करना ये सरासर गलत है और इसको हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, ट्वाइस के लिए हम इसको कोर्ट जाएंगे और जितने भी जो कांग्रेसी जो कांड कर रहे हैं इसके ऊपर भी हमें कमेटी लगाकर हर पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर भी हम FIR करवाएंगे, जहाँ जहाँ ये लोग शराब बांटेंगे, जहाँ जहाँ पर ये लोग पैसे बांटेंगे।